नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को बंधन बैंक में कर्मचारी को असलाह दिखाकर लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्त जलालुद्दीन खान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, एक चाकू बैग किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ मीडिया से हुई रूबरू, कहा यूपी के अन्य शहरों की तुलना में गोरखपुर की पब्लिक काफी हद तक ट्रैफिक नियमों का कर रही है पालन। जिले में ई रिक्शा की संख्या है काफी अधिक। शहर में चलने वाले ई रिक्शा के रूट को निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को किया गया निर्देशित। जिला अस्पताल पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के निर्देश पर मारा छापा। अस्पताल की साफ सफाई, डेंगू वार्ड, भर्ती मरीजों से की बात, कहा जिला अस्पताल में किसी तरह की नहीं है दिक्कत, मरीजों का हो रहा है इलाज, सभी मरीज डॉक्टरों के इलाज से हैं संतुष्ट। दो पक्षों में हो रही कहासुनी को रोकना पुलिस कर्मियों पर पड़ा भारी। एक राय होकर दोनों पक्षों ने मिलकर पुलिस कर्मियों से की मारपीट। सात अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने गुरुवार को यातायात कार्यालय का किया निरीक्षण। विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। लगातार मारपीट की घटनाओं में शामिल रहने वाले सात अभियुक्तों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया, पंजीकृत की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जिला अस्पताल में अब सोमवार गुरुवार को बनाया जाएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दिव्यांग जन वार्ड का फीता काट कर किया शुभारम्भ। धोखाधड़ी से पैसे व मोटरसाइकिल हड़पने वाले शातिर अभियुक्त गौरव कुमार रजक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, धोखाधड़ी से हड़पी हुई मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम द्वारा स्वच्छ महोत्सव 2022 वार्डवार प्रतिस्पर्धा में स्वच्छता के मानकों के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियन वार्ड का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिविल लाइन वार्ड 69 रहा प्रथम, वार्ड 68 पुराना गोरखपुर रहा द्वितीय, तो वार्ड 42 पुरदिलपुर को मिला तीसरा स्थान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के द्वारा किए गए पुरस्कृत। और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का किया जा रहा है कार्य। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कोई भी 18 साल का व्यक्ति यूपी इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर मतदाता पहचान पत्र के लिए घर बैठे कर सकता है आवेदन। अब खबरें विस्तार से। शाहपुर थाने की पुलिस ने बंधन बैंक में कर्मचारियों को असलाह दिखाकर लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा से 3 किलोमीटर पश्चिम से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जलालुद्दीन खान पुत्र अहमद अली निवासी मकान नंबर 62 नकहा नंबर यादव टोला थाना चिलाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध पिस्टल, एक चाकू को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 2 नवंबर को एक अज्ञात व्यक्ति हेलमेट व गमछा बांधकर बंधन बैंक के अंदर प्रवेश कर रिवॉल्वर और चाकू दिखाकर कर्मचारियों को धमकाकर बैग में पैसे भरवाने लगा। इसी बीच बैंक बॉय द्वारा छिपकर इमरजेंसी पैनिक बटन दबा दिया गया, जिससे घबराकर अभियुक्त बैंक में रखा पैसा छोड़कर भाग गया, जिसके संबंध में उप शाखा प्रबंधक की तहरीर पर शाहपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, असरन चौकी प्रभारी आशीष कुमार सिंह, हड़हवाल फाटक चौकी प्रभारी महेश चौबे, कांस्टेबल आजाद अली अमृत यादव शामिल रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा हेलो।
अच्छा खेला है इंग्लिश को रखो जुगाड़ है मेरे पास उसमें क्या पोटली में जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक अच्छी सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक बैंक लूटने के प्रयास करने वाले व्यक्ति जलालुद्दीन खान पुत्र अहमद अली निवासी जंगल नका नंबर 1 यादव टोला थाना चिलवा ताल को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति कल 4:30 बजे के आसपास बंधन बैंक गया, वहाँ पे इसने एक रिवॉल्वर निकाल के एक थैला फेंका कैशियर की तरफ और उसको बोला कि इसमें सारे पैसे डाल दीजिए। इतने में वहाँ मौजूद एक बैंक बॉय ने, जो कि गेट के पीछे था, उसने बजर बजाया, उससे अलार्म एक्टिवेट हुआ और अलार्म एक्टिवेट होने पर वह व्यक्ति भाग गया। उल्लेखनीय है कि यह व्यक्ति एक BSc धारक है और ये एक बैंक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर MR का काम करता है। वहाँ पर उस पर करीबन 9 से 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और उसके साथ साथ उसने 30 लाख रुपए का एक बैंक से लोन भी ले रखा था। इसकी सैलरी करीबन 40,000 रुपए है और वो उस स्थिति में लोन का पैसा लौटाने और बैंक और विभिन्न कंपनियों को पैसा न लौटा पाने की स्थिति में इसने इस तरह की घटना कारित की है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना शाहपुर द्वारा जेल भेजा जा रहा है। बंधन बैंक को चुनने के पीछे उसका उद्देश्य, उसको ये नहीं पता था कि उसको पहचान पाएंगे वहाँ के लोग, जबकि उसका उसी बैंक में अकाउंट भी है और वो दिन में 2 घंटे पहले रेकी करने के लिए वहाँ विजिट भी किया था और वो व्यक्ति वहाँ हेलमेट और गमछा बांध के गया था, तो वो विजिबल नहीं था वहाँ के लोगों को। लेकिन पुलिस ने CCTV और वहाँ के फुटेज और अगल बगल के सड़क के फुटेज और गाड़ी के नंबर और इन सभी सर्विलांस के आधार पर ये सफलता हासिल किया। इसका यह कहना है कि आज से 10 साल पहले उसके गांव का कोई व्यक्ति मिला था, वो इसको रिवॉल्वर दिया था, इसकी रिवॉल्वर में कोई कारतूस नहीं था, लेकिन फिर भी कहां से असला मिला है इसकी भी जांच और खोजबीन की जाएगी। ये व्यक्ति अकेला था इस घटना में। थैंक यू। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यूपी के अन्य शहरों की तुलना में गोरखपुर की पब्लिक काफी हद तक ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है, जो सराहनीय है, लेकिन शहर के कई इलाकों में सक्रिय होने की वजह से यहां जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह शहर का निरीक्षण कर जाम की समस्या को दूर करे। उन्होंने कहा कि महानगर की सड़कों की और भी चौड़ीकरण की संभावनाएं बन रही हैं। कई सड़कें ऐसे देखने को मिल रही है जहां एक्स्ट्रा पोल और ट्रांसफार्मर की वजह से रास्ते सक्रिय हो गए हैं। इसके लिए संबंधित विभाग से बात कर सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा, जिससे कि जाम की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि रोडवेज बस स्टेशन पर सरकारी बसें रोड पर खड़ी होने की वजह से यहां पर अधिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसके लिए यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करके सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में अभी ट्रैफिक स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस में इन दिनों TSI की भर्तियां हुई है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। यहां पर काफी संख्या में नए TSI तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में ई रिक्शा की संख्या काफी अधिक देखने को मिल रही है, जो कि जाम का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह बेहद जरूरी भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में चलने वाले ई रिक्शा का रूट निर्धारित किया जाए, साथ ही ई
रिक्शा के लिए लाइसेंस भी जारी किया जाए। जो भी ई रिक्शा चलेंगे उनके लिए लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहर के हर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर विभाग का साइन बोर्ड जरूर दिखने चाहिए, जिससे कि लोग ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक होते रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुल श्रेष्ठ ने कहा, कल मेरा यहाँ पे आगमन हुआ और कल सभी मुख्य चौराहों पर मैंने भ्रमण किया और जितने भी दबाव के यातायात के दबाव के पॉइंट्स हैं गोरखपुर शहर में उन सभी को देखा, उनका मुआयना किया और आज ऑफिस में कार्यालय में बैठकर और इनके जितने भी पत्रावलियां हैं और इनके उपकरण हैं, ट्रैफिक स्टोर्स हैं, इन सब का निरीक्षण किया गया और इनसे चर्चा की गई। और ट्रैफिक क्योंकि एक सामंजस्य का डिपार्टमेंट है, मतलब मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की इसमें आवश्यकता रहती है, तो आज जो हमारी मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, जैसे कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थे और अपने नगर निगम के थे, एनएच के थे, एनएचएआई के थे, आईटीएमएस के थे और अपने पुलिस विभाग के, तो सभी से चर्चा हुई और एक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ हम लोग कर रहे हैं कि ट्रैफिक में, उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक में सुधार लाएं। और चूंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, गृह जनपद भी है और एक इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न यूपी का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो इस सिलसिले में गोरखपुर बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर कायम हैं, मैं कहूँगी काफ़ी हद तक की काफ़ी अच्छी हैं। मैं यूपी के और भी जनपदों में भ्रमण कर चुकी हूँ और गोरखपुर में काफ़ी सक्रियता है ट्रैफिक के नाम पर, तो ये बेहद प्रसन्नता की बात है। पर देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम इच्छुक हैं, जिस तरह से हम करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसी सब के बारे में चर्चा हुई है, इसी पर हमारा फोकस रहा है, हम केंद्रित रहे हैं। कुछ उपकरणों के बारे में आज मैंने इनसे टेस्ट करवाए, जो जैसे लक्स मीटर है, स्पीड गन है, स्पीड रडार है और ब्रेथ एनालाइज़र है, इन सभी का टेस्टिंग करवाया, तो इनके उपकरण ठीक हैं और ये विभिन्न एरियाज पर, पॉइंट्स पर इनको ऑलरेडी इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, जिनका प्रयोग हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। एन एम्प्टी स्टोर इज़ द बेस्ट स्टोर, जहाँ पे सारा इक्विपमेंट वितरित हो वो स्टोर सबसे अच्छा होता है। कुछ इनकी दिक्कतें हैं जिनको हम दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम वो करेंगे। और बाकी जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है, उसमें अभी हमको कुछ TSI उपलब्ध हुए हैं, तो वो TSI जब हमारी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो इनके भी जनपद का हम थोड़ा स्ट्रेंथ ऑगमेंट करेंगे, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स का, तो उससे और इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा और इनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जब इनका बल बढ़ेगा। कुछ इनकी ज़रूरतें हैं जो हमको लखनऊ से पूरी करनी होंगी, जैसे विभिन्न विभागों की, तो वो चीज़ें मैं विभिन्न विभागों को, जैसे स्मार्ट सिटी का जो डिपार्टमेंट है उनसे या नगर विकास से, इनसे कुछ इनकी अपेक्षाएं हैं तो वो लिख के भेजी गई हैं, पर उनको हम और ट्रांसपोर्ट विभाग से उनको मैं पर्सनली भी परस्यू करना चाहूँगी, तो वो करूँगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ दिखाई दिए उनका काफ़ी एक सहयोगात्मक रवैया दिखाई दिया, और इंक्लूडिंग जो बेसिक शिक्षा, सॉरी माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उनके भी हमारे पास प्रतिनिधि यहाँ पर थे। और चूँकि शिक्षण पे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी थ्रस्ट है और जोर है, तो हम ये कोशिश ये करते हैं, और चूँकि ये ट्रैफिक माह चल रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना से जितना हम जागरूकता कर सकें इसके सिलसिले में, ट्रैफिक के सिलसिले में, जितनी हम ट्रैफिक सेंस पैदा कर सकें लोगों में उतना बेहतर होगा। चालान प्रवर्तन की कार्रवाई तब की जाती है जब आदमी मन बड़ू हो जाता है और लॉ अबाइडिंग नहीं होने के लिए तैयार होता है, पर मैं देख रही हूँ कि गोरखपुर की जनता यहाँ पर, और जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी लॉ अबाइडिंग हो रही है, टू लेन्स नहीं बन रही हैं, सिंगल लेन में ही हो रहा है, और जो पी एड्रेस सिस्टम है यहाँ का बहुत तगड़ा है, तो उस पर अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है कि साहब आप स्टॉप लाइन से आगे आ गए हैं, फलाना गाड़ी पीछे जाए, नहीं तो आपका चालान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं कि ये काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। और अब जो शिक्षण का कार्य है, तो माध्यमिक शिक्षा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजों में जितने भी माध्यमिक के स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हों, चाहे गवर्नमेंट एडेड हों, प्राइवेट स्कूल्स भी, उन सभी को इन्होंने निर्देश भेजे हैं कि ट्रैफिक को एक विषय के रूप में लिया जाए, ट्रैफिक का एक कोर्स कंटेंट हो, सिलेबस में हो, और वो बच्चों को उस पर शिक्षण दिया जाए और पढ़ाया जाए। और ये ट्रैफिक माह का भी हमारा उद्देश्य रहता है कि जितनी से ज़्यादा हम जागरूकता पैदा कर सकें लोगों के बीच में, उतनी हम करें। अभी हाल ही में हमारा अनुबंध हुआ था मैप माई इंडिया के साथ, मैपल्स, और उसमें एक वो एक ऐसा ऐप है जिसमें हम ट्रैफिक एज अ ट्रैफिक पुलिस या एज अ सिटीज़न हम उसमें ट्रैफिक के बारे में बहुत सारी जानकारियां डाल सकते हैं और वो ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी उस ऐप के ज़रिए। और जो भी अगर कहीं पे किसी प्रकार का ट्रैफिक अवरुद्ध है किसी भी कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, रोड टूटी हुई है उसके कारण, या कोई प्रोसेशन जा रहा है, कोई रैली हो रही है उसके कारण, किसी के भी कारण, या कोई दुर्घटना हो गई है किसी के कारण भी, कोई सड़क या रास्ता अवरुद्ध है, तो वो जब हम सूचना उस पर डाल देंगे तो वो उस मैप पे अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के कारण वो ऐप हमको अल्टरनेटिव वैकल्पिक रूट दिखाएगा, स्पीड लिमिट है वो भी बताएगा, पार्किंग जोन कहाँ है वो भी बताएगा। तो ये सारी चीज़ें, एक नई नई टेक्नोलॉजी को ला के इन सब चीज़ों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मुझे मैप माई इंडिया की टीम के द्वारा बताया गया कि गोरखपुर में इस ऐप की व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़ गई है। रही बात कुछ इनको जो आवश्यकताएं थी साइनेजेस की और कुछ स्प्रिंग पोस्ट वगैरह की, तो अभी हमारी हाल ही में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात की हुई और उनके जो सचिव थे वो यहाँ पर उपलब्ध थे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो साइनेजेस हैं उनको लगवाया जाए और उनको हम करें। पीडब्ल्यूडी से हमारे, सॉरी, ये नगर निगम से हमारी ये बात हुई कि जो सड़क चौड़ीकरण की बात है उस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि रोड इंजीनियरिंग ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जो सड़क चौड़ीकरण की बात है वो सड़क चौड़ीकरण हम आइडेंटिफाई करके दें और जहाँ जहाँ वो उनको चौड़ा कर सकते हैं, रास्ते जो संकीर्ण है उनको बढ़ा कर सकते हैं, या जो वन वे का हम, सॉरी, लेफ्ट वे का जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें वो किस तरह से सहयोग कर सकते हैं GDA और अपना नगर निगम, वो सपोर्ट करें। तो ये सारी बातें हो रही थी और सारी चर्चाएँ हो रही थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सबका यहाँ पे एक सहयोगात्मक रवैया लगता है, क्योंकि आखिरकार ये एक मल्टी एजेंसी रोल है, ट्रैफिक पुलिस अकेले का रोल नहीं है, इसमें सबकी सहभागिता है, इंक्लूडिंग द सिटीजन्स, इंक्लूडिंग द आम नागरिक। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें बेहद सुधार होगा एंड आगे जो भी हम इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करेंगे और जो भी बेस्ट हम यहाँ का एक मॉडल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रूप में जो हम बना सकते हैं, जो कर सकते हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। ITMS का निरीक्षण कल मैंने किया और मैं ये कहना चाहूँगी कि ITMS की टीम जो यहाँ पर है बहुत ही एंथुजियास्टिक टीम है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन का उनका काम है, ANPR का काम है, जिसपे उन्होंने कई सारे क्राइम केसेस भी डिटेक्ट किए हैं। दिस इज़ वेरी हार्टनिंग, क्योंकि देखिए जो एक सर्वेलांस की बात होती है, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग की बात होती है, वो सब ITMS के जरिए हमको मिल सकता है। तो वो ना केवल ट्रैफिक का उन्होंने में उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, पर क्राइम डिटेक्शन में भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, विच इज़ वेरी हार्टनिंग। और ये ITMS में कुछ हमको और विस्तार चाहिए, कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुझे कुछ बिंदु बताए हैं और उनको मैं परस्यू करूँगी, जहाँ से भी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे परस्यू करना है, स्मार्ट सिटी के डिपार्टमेंट से, वो मैं लखनऊ जाके ज़रूर करूँगी। देखिए जहाँ तक TSI की बात है, तो TSI तो हमको कुछ उपलब्ध हुए हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग हैं और उनकी ट्रेनिंग 5 दिसंबर तक ही समाप्त होगी, उसके बाद 15 दिसंबर तक ही विभिन्न जनपदों में हम उनकी पोस्टिंग कर देंगे। तो वो विभिन्न जनपदों में गोरखपुर भी इंक्लूडेड है और प्रायोरिटी प्राथमिकता पर इंक्लूडेड है, तो नए साल से पहले आपको कुछ TSI तो ज़रूर मिल जाने चाहिए। बाकी जो हमारा नियतन है ट्रैफिक पुलिस का, तो उस नियतन में हम किस तरह से बदलाव ला सकते हैं या
या उसको किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। और यदि हमने उसको उपयुक्त पाया कि हम मैन पावर एनहेंसमेंट के लिए प्रस्ताव भेजें तो वो भी भेजा जाएगा। बायलेन जो भरा रहता है उसमें मेरे ख्याल से एमपी सिंह साहब इस पर कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इट इज़ अंडर स्टडी। तो एक बार ये पूरा अपनी स्टडी कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आपसे ये इस पर डिस्कस करेंगे। नहीं, आपने एकदम बात ठीक बोली कि कई सारे ऐसे खंभे हैं, पोल हैं, चाहे वो टेलीफोन के हों, चाहे बिजली विभाग के हैं, जो आउट ऑफ यूज़ हैं और खड़े हैं, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है उनके कारण। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम दोनों से ही संबंधित हैं और इन पर ही चर्चा हुई है। द गुड पार्ट इज़ कि इन पर जो है एक स्पेसिफिक रूप से चर्चा हुई, इन द सेंस कि कौन, देखिए वी हैव टू गेट डाउन टू स्पेसिफिक्स कि किस लोकेशन पे कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम है। चाहे हम वो एक ही एरिया में इम्प्रूवमेंट लाएं पर उसमें एक फोकस्ड इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, तो वो फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, उसी पर हमने ध्यान केंद्रित किया। ये नहीं कि एक जनरल टॉक नहीं हुई है, एक जेनेरिक टॉक नहीं हुई है, ये स्पेसिफिक टॉक हुई कि किस एरिया में चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है, कहाँ खंभे हैं, कहाँ पोल हैं, जो आउट ऑफ यूज़ हैं उनको रीलोकेट करना पड़ेगा। ये सारी चर्चाएँ हुई हैं और हमने एसपी ट्रैफिक को यही निर्देश दिए कि आप आइडेंटिफाई कीजिए उन सड़कों को, आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे वो तीन ही सड़क हों पर आप आइडेंटिफाई कीजिए वहाँ से क्या चीज़ कहाँ रीलोकेट होनी है, कहाँ चौड़ी होनी है, ये सब आइडेंटिफाई करके आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको बताइए ताकि वो अपना प्रस्ताव भेज कर उस पर आगे कार्रवाई कर सके। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट स्पेसिफिक लेवल तक की, ये बहुत ज़रूरी है, वो हम उसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी सरकारी चिकित्सालय सीएससी पीएससी का औचक निरीक्षण किया गया और मेरे द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीज डॉक्टरों के इलाज से संतुष्ट हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी ओपीडी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दवाएं पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर सफाई बहुत अच्छी थी। इसके अलावा जो लोग डॉक्टरों को दिखाने आए थे वह लोग भी संतुष्ट थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जिनको हार्टअटैक होता है सर, यूरिन हार्टअटैक तो सबसे ज्यादा नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में जितने भी चिकित्सालय हैं, सरकारी चिकित्सालय हैं, जैसे जिला अस्पताल, जिला महिला चिकित्सालय, सीएचसी, पीएचसी, सभी का औचक निरीक्षण किया गया, ये देखने के लिए कि डॉक्टर साहबान समय से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मरीज संतुष्ट हैं, उनको देखा जा रहा है, इमरजेंसी एक्टिव है, ओपीडी एक्टिव है, दवाएं पर्याप्त हैं या नहीं, साफ़ सफाई कैसी है। तो मेरे द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जिला चिकित्सालय का ओपीडी, इमरजेंसी और जो हॉस्पिटल होता है सभी का निरीक्षण किया गया। मैं ये कह सकता हूँ कि सफाई बहुत ही अच्छी थी। मैं औचक गया था, वहाँ पर कोई ऐसी सूचना नहीं थी, फिर भी सफाई काफ़ी अच्छी थी।
मरीजों से मैंने बात करके देखा, मरीज संतुष्ट थे। जो हमारा बच्चों का आईसीयू है, जिसको पीकू कहते हैं, उनमें भी जा कर के मैंने बच्चों की माताओं से बात किया, वे लोग मोर आर लेस संतुष्ट थे। अन्य लोग जो कहीं पर भी लाइन में लगे थे वो भी संतुष्ट थे, दवाएं भी पर्याप्त थी। मेरा अनुरोध है जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं कि वो जो हमारी सरकारी चिकित्सालय हैं वहाँ पर आएँ और अपना इलाज कराएं। हमारे यहाँ अच्छे इलाज की व्यवस्था है। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान संदीप साहनी पुत्र प्रताप साहनी इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा दीपक साहनी पुत्र प्रहराज साहनी निवासी SBI बैंक के पीछे इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा रवि साहनी पुत्र स्वर्गीय कैलाश साहनी निवासी शराब गद्दी के पीछे इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, चौथा गौतम साहनी पुत्र मुन्ना लाल साहनी निवासी शराब भट्टी के पीछे इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, पांचवा प्रमिला उर्फ झिंकी पुत्री दीपचंद निवासी जोमिनगढ़ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, छठवा सुरेंद्र साहनी पुत्र श्यामदेव साहनी निवासी जोमिनगढ़ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, सातवा सिकंदर पुत्र जीवन देव निवासी जोमिनगढ़ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि बुधवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गया तथा विवाद बढ़ता देख उपस्थित ड्यूटी पर लगे कांस्टेबल द्वारा समझाने पर प्रतिवादी द्वारा एक राय होकर हॉक 11 के कर्मचारी कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार कांस्टेबल धर्म को सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए मारने के लिए दौड़ाकर हमला करना, मारपीट, गाली गुप्ता देना, जान माल की धमकी देना, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिससे हॉक 11 के कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार को चोट आ गई, जिसके संबंध में कांस्टेबल के तहरीर पर तिवारीपुर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्रा, उपनिरीक्षक विनय कुमार पांडे, कांस्टेबल अंजनी कुमार, अमित कुमार, रामविलास यादव, अजय कुमार, अरुण कुमार, मुलायम, ललित कुमार अरमान, अभिषेक शर्मा, महिला कांस्टेबल शविता मिश्रा, अंकिता सिंह, अंशु कुमारी, पूनम यादव शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कल रात्रि 11:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि डोमिनगढ़, वहाँ पे बंधे के पास में जहाँ मूर्ति विसर्जन होता है, छठ मैया का जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था, वहाँ दो मूर्तियाँ स्थापित थी, एक डोमिनगढ़ के पास की मूर्ति थी और एक इलाहीबाग से आ रही थी मूर्ति। डोमिनगढ़ मूर्ति विसर्जन के करने के बाद में इलाहीबाग की जब मूर्ति आपस में जब क्रॉस कर रही थी, तो वहाँ पर पुलिस की हॉक 11 एवं वहाँ पर पुलिस की डोमिनगढ़ बंधे पे जो पिकेट है, 5 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे। जब दो मूर्तियाँ क्रॉस कर रही थी, इनके बीच में हॉट टॉक हुई, तब वहाँ पे बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मी, उनको वहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से जो लोग शराब पी रखे थे उन लोगों ने पुलिस के साथ छेड़खानी की और एक पुलिसकर्मी आँख के पास चोट भी आई है। इस तरह का भगदड़ मचने की स्थिति में थाना तिवारीपुर ने टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ पुलिसकर्मी के ऊपर हमला करने, इस तरीके की 147, 323, 352, 332, 353, 504, 506 एवं 7 CLA एक्ट लगाकर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पुलिसकर्मी कांस्टेबल हैं, उसकी तरफ से मुकदमा लिखाया गया है एवं उसका मेडिकल कराकर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। दोनों आयोजक उनमें से एक आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की धरपकड़ जारी है और दोनों आयोजकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है और भविष्य में दोनों आयोजकों के ऊपर मूर्ति नहीं रखने का बैन भी लगाया जाएगा। और इस तरह जो भी व्यक्ति किसी भी पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी एवं अगर कोई मारने पीटने की घटना करता है, उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थैंक यू।
दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने गुरुवार को यातायात कार्यालय का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने चालान के साथ ही रजिस्टर चेक किए तथा कार्यालय में रखे सामानों और ट्रैफिक इक्विपमेंट्स के रखरखाव को भी बारीकी से देखा तथा उन्होंने शहर का भी बारीकी से निरीक्षण किया और यहाँ पर लगने वाले जाम के साथ ही शहर की ट्रैफिक को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को देखा गया तथा यातायात कार्यालय के जितने भी उपकरण, पत्रावलियां और ट्रैफिक स्टोर है उनका निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने जनपद में ट्रैफिक पुलिस लाइन बनाने पर स्वीकृति दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर ट्रैफिक विभाग की पुलिस लाइन की बेहद जरूरत है। अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द पुलिस लाइन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए तथा प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस लाइन स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, आरटीओ अनीता सिंह, कर्नल सीपी सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह, सीओ मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह, सीओ कैंट श्याम देव बिंद, सीओ गोरखनाथ रत्नीश सिंह, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, चाहे वो आईडीएमएस विभाग हो,
कल मेरा यहाँ पे आगमन हुआ और कल सभी मुख्य चौराहों पर मैंने भ्रमण किया और जितने भी दबाव के यातायात के दबाव के पॉइंट्स हैं गोरखपुर शहर में उन सभी को देखा, उनका मुआयना किया और आज ऑफिस में कार्यालय में बैठकर और इनके जितने भी पत्रावलियां हैं और इनके उपकरण हैं, ट्रैफिक स्टोर्स हैं, इन सब का निरीक्षण किया गया और इनसे चर्चा की गई। और ट्रैफिक क्योंकि एक सामंजस्य का डिपार्टमेंट है, मतलब मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की इसमें आवश्यकता रहती है, तो आज जो हमारी मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, जैसे कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थे और अपने नगर निगम के थे, एनएच के थे, एनएचएआई के थे, आईटीएमएस के थे और अपने पुलिस विभाग के, तो सभी से चर्चा हुई और एक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ हम लोग कर रहे हैं कि ट्रैफिक में, उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक में सुधार लाएं। और चूंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, गृह जनपद भी है और एक इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न यूपी का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो इस सिलसिले में गोरखपुर बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर कायम हैं, मैं कहूँगी काफ़ी हद तक की काफ़ी अच्छी हैं। मैं यूपी के और भी जनपदों में भ्रमण कर चुकी हूँ और गोरखपुर में काफ़ी सक्रियता है ट्रैफिक के नाम पर, तो ये बेहद प्रसन्नता की बात है। पर देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम इच्छुक हैं, जिस तरह से हम करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसी सब के बारे में चर्चा हुई है और इसी पर हमारा फोकस रहा है, हम केंद्रित रहे हैं। कुछ उपकरणों के बारे में आज मैंने इनसे टेस्ट करवाए, जो जैसे लक्स मीटर है, स्पीड गन है, स्पीड रडार है और ब्रेथ एनालाइज़र है, इन सभी का टेस्टिंग करवाया, तो इनके उपकरण ठीक हैं और ये विभिन्न एरियाज़ पर, पॉइंट्स पर इनको ऑलरेडी इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, जिनका प्रयोग हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। एन एम टी स्टोर इज़ द बेस्ट स्टोर, जहाँ पे सारा इक्विपमेंट वितरित हो वो स्टोर सबसे अच्छा होता है। कुछ इनकी दिक्कतें हैं जिनको हम दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम वो करेंगे। और बाकी जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है, उसमें अभी हमको कुछ TSI उपलब्ध हुए हैं, तो वो TSI जब हमारी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो इनके भी जनपद का हम थोड़ा स्ट्रेंथ ऑगमेंट करेंगे, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स का, तो उससे और इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा और इनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जब इनका बल बढ़ेगा। कुछ इनकी ज़रूरतें हैं जो हमको लखनऊ से पूरी करनी होंगी, जैसे विभिन्न विभागों की, तो वो चीज़ें मैं विभिन्न विभागों को, जैसे स्मार्ट सिटी का जो डिपार्टमेंट है उनसे या नगर विकास से, इनसे कुछ इनकी अपेक्षाएं हैं तो वो लिख के भेजी गई हैं, पर उनको हम और ट्रांसपोर्ट विभाग से उनको मैं पर्सनली भी परस्यू करना चाहूँगी, तो वो करूँगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ दिखाई दिए उनका काफ़ी एक सहयोगात्मक रवैया दिखाई दिया और इंक्लूडिंग जो बेसिक शिक्षा, सॉरी माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उनके भी हमारे पास प्रतिनिधि यहाँ पर थे। और चूँकि शिक्षण पे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी थ्रस्ट है और जोर है, तो हम ये कोशिश ये करते हैं, और चूँकि ये ट्रैफिक माह चल रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना से जितना हम जागरूकता कर सकें इसके सिलसिले में, ट्रैफिक के सिलसिले में जितनी हम ट्रैफिक सेंस पैदा कर सकें लोगों में उतना बेहतर होगा। चालान प्रवर्तन की कार्रवाई तब की जाती है जब आदमी मनबड़ू हो जाता है और लॉ अबाइडिंग नहीं होने के लिए तैयार होता है, पर मैं देख रही हूँ कि गोरखपुर की जनता यहाँ पर, और जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी लॉ अबाइडिंग हो रही है, टू लेन्स नहीं बन रही हैं, सिंगल लेन में ही हो रहा है और जो पी एड्रेस सिस्टम है यहाँ का बहुत तगड़ा है, तो उस पर अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है कि साहब आप स्टॉप लाइन से आगे आ गए हैं, फलाना गाड़ी पीछे जाए नहीं तो आपका चालान किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं कि ये काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। और अब जो शिक्षण का कार्य है, तो माध्यमिक शिक्षा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजों में जितने भी माध्यमिक के स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हों, चाहे गवर्नमेंट एडेड हों, प्राइवेट स्कूल्स भी, उन सभी को इन्होंने निर्देश भेजे हैं कि ट्रैफिक को एक विषय के रूप में लिया जाए, ट्रैफिक का एक कोर्स कंटेंट हो, सिलेबस में हो, और वो बच्चों को उस पर शिक्षण दिया जाए और पढ़ाया जाए। और ये ट्रैफिक माह का भी हमारा उद्देश्य रहता है कि जितनी से ज़्यादा हम जागरूकता पैदा कर सकें लोगों के बीच में, उतनी हम करें। कैंट थाने की पुलिस ने लगातार मारपीट में शामिल रहने वाले 7 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिसकी पहचान भास्कर दुबे पुत्र तुलसीधर दुबे निवासी बड़को थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा विष्णुधर दुबे उर्फ बबलू दुबे पुत्र विनोदधर दुबे निवासी सिंदुली बिंदुली थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, तीसरा सूरज शुक्ला पुत्र राजेश प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम गोला बाजार बकरही थाना गोला जनपद गोरखपुर, चौथा राजन यादव पुत्र रामकरण यादव निवासी बड़को थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, पांचवा आशुतोष मल पुत्र शैलेश मल निवासी इंद्रनगर बिलंदपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, छठवां अनुराग यादव पुत्र कालीदिन यादव निवासी निकट महिंद्रा गैस गोदाम मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, सातवां सनी मिश्रा पुत्र जगत बिहारी मिश्रा निवासी जगन्नाथपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 7 लोग, जो लोग गाली गलौज करने, अक्सर मारपीट करने एवं पार्किंग, बस स्टैंड और इस तरह की जगहों पर मनबढ़ाई करने का एक गिरोह है, जिनके ऊपर करीबन उनमें से 2-3 लोगों के ऊपर 10-12 मुकदमे भी दर्ज हैं। उन लोगों के खिलाफ आज गैंगस्टर में अभियोग पंजीकृत कर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, एवं जो लोग जेल से बाहर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और इनके ऊपर 914/22 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और 14(1) के तहत इनकी संपत्ति भी जब्त कर एक कठोर संदेश समाज में दिया जाएगा कि इस प्रकार के लोगों का मनबढ़ाई और इस तरह की चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाएगी। थैंक यू। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बुधवार को बंधन बैंक में कर्मचारी को असलाह दिखाकर लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्त जलालुद्दीन खान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, एक चाकू बैग किया बरामद, भेजा जेल, एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ मीडिया से हुई रूबरू, कहा यूपी के अन्य शहरों की तुलना में गोरखपुर की पब्लिक काफी हद तक ट्रैफिक नियमों का कर रही है पालन। जिले में ई रिक्शा की संख्या है काफी अधिक, शहर में चलने वाले ई रिक्शा के रूट को निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को किया गया निर्देशित। जिला अस्पताल पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के निर्देश पर मारा छापा। अस्पताल की साफ सफाई, डेंगू वार्ड, भर्ती मरीजों से की बात, कहा जिला अस्पताल में किसी तरह की नहीं है दिक्कत, मरीजों का हो रहा है इलाज, सभी मरीज डॉक्टरों के इलाज से हैं संतुष्ट। दो पक्षों में हो रही कहासुनी को रोकना पुलिस कर्मियों पर पड़ा भारी, एक राय होकर दोनों पक्षों ने मिलकर पुलिस कर्मियों से की मारपीट। 7 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी सिटी ने दी जानकारी। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने गुरुवार को यातायात कार्यालय का किया निरीक्षण, विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। लगातार मारपीट की घटनाओं में शामिल रहने वाले 7 अभियुक्तों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया पंजीकृत, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जिला अस्पताल में अब सोमवार गुरुवार को बनाया जाएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दिव्यांग जन वार्ड का फीता काट कर किया शुभारम्भ। धोखाधड़ी से पैसे व मोटरसाइकिल हड़पने वाले शातिर अभियुक्त गौरव कुमार रजक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, धोखाधड़ी से हड़पी हुई मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल।
नगर निगम द्वारा स्वच्छ महोत्सव 2022 वार्डवार प्रतिस्पर्धा में स्वच्छता के मानकों के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियन वार्ड का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिविल लाइन वार्ड 69 रहा प्रथम, वार्ड 68 पुराना गोरखपुर रहा द्वितीय, तो वार्ड 42 पुरदिलपुर को मिला तीसरा स्थान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के द्वारा किए गए पुरस्कृत। और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का किया जा रहा है कार्य। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, कोई भी 18 साल का व्यक्ति यूपी इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर मतदाता पहचान पत्र के लिए घर बैठे कर सकता है आवेदन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र वार्ड का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी दिव्यांग बोर्ड अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है, जिसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने किया है। स्वावलंबन पोर्टल पर प्रतिदिन 200 लोग अप्लाई करते हैं, जिनकी सुविधा के लिए हर गुरुवार को कैंप लगाया जाता है, उसको बढ़ाकर सोमवार व गुरुवार कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रमाण पत्र बन सके। उन्होंने कहा, एक दिन में 200 लोगों का जांच करके प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी दिव्यांग बोर्ड अनिल कुमार सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, कुमार सिंह नोडल अधिकारी दिव्यांग जन कल्याण बोर्ड। दिव्यांगजनों के लिए ओपीडी का शुभारंभ किया गया। हाँ, ये दिव्यांगजनों का दिव्यांग प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है, उसका आज जो है हमारे आदरणीय अपर जिला न्यायाधीश ने शुभारंभ किया है आज। और ये हमारे स्वावलंबन पोर्टल पर गोरखपुर जनपद में प्रतिदिन करीब 100 से 125 लोग अप्लाई करते हैं, उनकी सुविधा के लिए हम लोग जो बोर्ड प्रति बृहस्पतिवार को हर हफ्ते में होता था, उसको अब सोमवार और बृहस्पतिवार दो दिन कर दिए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण किया जा सके। तो उस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शीघ्र से शीघ्र प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। एक दिन में करीब 200 लोगों का, कभी कभी 250 लोगों का प्रमाण पत्र के लिए वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्टर द्वारा उनका परीक्षण हो जाता है, और उतने ही लोगों का करीब जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है प्रमाण पत्र। ये ओपीडी में जो शुभारंभ किया गया, जो ऐसे व्यक्ति जो शरीर से अपंग है, निसहाय है, उनको एक तरह से जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए शासन की तरफ से, वो उपलब्ध कराए जाने का एक छोटा सा प्रयास है। कैंट थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी से पैसे व मोटरसाइकिल हड़पने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गौरव कुमार रजक पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम बड़को थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है।
जिसके पास से धोखाधड़ी की एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 31 अक्टूबर को वादी मुकदमा के द्वारा सूचना दी गई कि मैंने अपनी कार चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा था जो मेरे यहाँ काफी दिनों से काम कर रहा था, जिसने पिछले कई महीनों में विभिन्न तिथियों में धोखाधड़ी से मुझसे 46,000 रुपए ऑनलाइन व मोटरसाइकिल जिससे अपने घर से मेरे घर आता जाता था धोखे से लेकर भाग गया था, जिससे मैंने कई बार अपनी मोटरसाइकिल वापस करने के लिए वह हड़पे हुए पैसे को वापस करने को कह रहा था लेकिन वह वापस नहीं कर रहा था, जिसे हड़पने के संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, कांस्टेबल रामाराम राकेश सिंह शामिल रहे। नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन नगरी के अंतर्गत स्वच्छ महोत्सव 2022 वार्डवार प्रतिस्पर्धा में स्वच्छता मानकों के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियन वार्ड पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि स्वच्छ त्योहार 2022 में वार्डों के मध्य प्रतिस्पर्धा में वार्ड की सफाई, स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समुचित प्रबंधन, वार्ड सौंदर्यीकरण, वार्ड में स्वच्छता संबंधी जन जागरूकता तथा वार्ड में नागरिकों की स्वच्छता संबंधित संलिप्तता आदि के मानकों पर कुल अंक 1000 रखे गए थे। इस प्रतियोगिता में सभी जोनल अधिकारी, जोनल सफाई निरीक्षक द्वारा असेसमेंट संबंधित प्रारूप के तहत अंक दिए गए, जिसके आधार पर सभी वार्डों के अंकों का तुलनात्मक जांच कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले वार्डों के पार्षद, जोनल अधिकारी, जोनल सफाई निरीक्षकों तथा जोनल सुपरवाइजर की टीम को पुरस्कृत किया गया। चैंपियन वार्ड प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान सिविल लाइन वार्ड 69 रहा, जिसके लिए पार्षद अजय राय व जोनल अधिकारी श्री शैलेश कुमार को पुरस्कृत किया गया। द्वितीय स्थान पर वार्ड 68 पुराना गोरखपुर रहा, जिसके लिए पार्षद प्रतिनिधि शमीन अंसारी व जोनल अधिकारी अविनाश प्रताप सिंह को पुरस्कृत किया गया। तृतीय स्थान पर रहने वाले वार्ड 42 पुरदिलपुर के पार्षद मनु जायसवाल व जोनल अधिकारी श्री शैलेश कुमार को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, उप नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह, सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी, जोनल अधिकारी तथा अन्य नगर निगम के कर्मचारी उपमौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, शासन स्तर से यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि वार्डों के अंदर प्रतिस्पर्धा कराई जाए स्वच्छता के मानकों को देखते हुए। स्वच्छता के मानक के जो 5 पॉइंट रखे गए थे उसके अनुसार सारे वार्डों में हमारे जोनल अधिकारी, जोनल सफाई निरीक्षकों के द्वारा और हम लोग की टीम के द्वारा ये असेसमेंट किया गया। हर एक बिंदु पर मार्किंग स्केल के आधार पर काम किया गया। वार्ड में जो व्यवस्थाएं थी, 5 ऐसे निर्धारित मानक थे जिसके अनुसार नंबर देना था कि उसके अनुसार वार्ड में क्या मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट को लेके, वार्ड की सौंदर्यीकरण को लेके, वार्ड में जन जागरूकता के प्रचार प्रसार को लेके, वार्ड के अंतर्गत निवास करने वाले निवासियों की कितनी वहाँ सहयोगी भूमिका है स्वच्छता को लेके, साथ ही साथ वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। इन 5 मानकों के आधार पर वार्डों के अंदर यह प्रतिस्पर्धा कराई गई थी। कुल 1000 नंबर निर्धारित थे। 1000 नंबरों में आज इस सभागार में हम लोग उपस्थित हैं। सारे असेसमेंट के बाद यह रिजल्ट तैयार किया गया है, जिसमें देखा जाए वार्ड लेवल सैनिटेशन के लिए 200 नंबर थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ क्या स्थिति है उसके 200 नंबर थे, वार्ड ब्यूटिफिकेशन को, वार्ड में सौंदर्यीकरण के चौराहे कैसे हैं, पार्क कैसे हैं, ओपन जिम की व्यवस्था कैसी है, गार्बेज का मैनेजमेंट कैसा है, इन सारे चीजों को देखते हुए उसमें 250 नंबर रखे गए थे। आईसी कैंपेन में किस वार्ड में स्वच्छता के, जन जागरूकता के क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है उस वार्ड में, उसको भी यह निर्धारित किया गया था। इन सभी मानकों को देखते हुए 1000 नंबर रखे गए थे। इन 1000 नंबरों पे वार्ड वाइज हमने प्रतिस्पर्धा कराई और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस स्वच्छ त्यौहार महोत्सव के उपलक्ष्य में यह वार्ड का पुरस्कार का निर्धारण किया गया। कमेटी के माध्यम से तय किया गया कि इसमें वार्ड नंबर 69 सिविल लाइन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सर पुराना गोरखपुर जो गोरखनाथ मंदिर का क्षेत्र है, 68 नंबर वार्ड है, वो भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही तीसरा जो
खर्चा कमाना पड़ा है। फूर्तिपुर 42 वार्ड फूर्तिपुर को भी इसमें रखा गया था कि वहाँ भी साफ सफाई व्यवस्था, शौचालय की स्थिति, वहाँ के चौराहों की स्थिति, उसमें ब्यूटिफिकेशन की क्या स्थिति है, वहाँ गार्बेज मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्था है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए फूर्तिपुर को तीसरे नंबर पर रखा गया। जो हमारा कर माननीय महापौर जी के द्वारा आशीर्वचन दे के इसको आगे बढ़ाया गया। एक से एक क्रम लगा हुआ था और नगर निगम के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हर त्यौहार के मौके पर पूरी तरह से स्वच्छता का प्रदर्शन करना और नागरिकों की जो अपेक्षाएँ हैं उनमें खरा उतरना। इसी को लेकर शासन के द्वारा एक नगर निगमों के जो अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करने, उनके भीतर एक नया जोश का संचार करने, नई ऊर्जा भरने के लिए एक स्वच्छ त्यौहार 2022 के नाम से एक वार्ड वाइज स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एक वार्ड में जो सभी मूलभूत सुविधाएं होती हैं स्वच्छता के अलावा भी नालियों की सफाई, नालों की सफाई, सीवेज की स्थिति, जो हमारा कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट उसकी स्थिति, यूरिनल, ये सभी जो चीज़ें हमारी थी इनमें देखा गया। वहाँ स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है, वहाँ पर जो हमारे जंक्शन बने वो कैसे हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर मतलब एक टोटलिटी में कौन से वार्ड हमने कैसे कैसे काम हुए, वो हमारे वहाँ पे कौन से अधिकारियों ने, कौन से हमारे कर्मचारियों ने, हमारे माननीय पार्षद जी ने कितना एक साथ पब्लिक के साथ मिलकर एक साथ मेहनत किया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। तो उसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा, एक जो हमारे 70 वार्ड हैं और अब 10 वार्ड जुड़ चुके हैं, 80 वार्डों ने मिलकर बहुत ही अच्छा एक कहते स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सबने भाग लिया, सबने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और खास तौर से मैंने देखा है कि जैसे सिविल लाइन्स तो भी साफ कर रहे थे कि हमेशा नंबर एक रहता है, और मैं कहता भी ये हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जगह इसलिए भी कि यहीं पर डीएम साहब का ऑफिस है, कमिश्नर साहब का ऑफिस है, कचहरी जिला जज साहब का ऑफिस है, कचहरी है, सबसे ज़्यादा लोगों का फुटफॉल यहीं से होती है, यहाँ पर उसी प्रकार से रहता है। जैसे कि आज चाहे फॉगिंग की बात हो तो भी सबसे ज़्यादा दबाव यहाँ पर है, अगर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव है उसमें सबसे बड़ा दबाव है, तो लेकिन जनरल अफसर साहब जो हमारे जनरल इंस्पेक्टर साहब हैं और पूरी सफाई कर्मचारी वाले जो चीज़ को बधाई देना चाहूँगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आना जाना कहीं के आवागमन होता रहता है, कई बार समीक्षा के और कई बार विकास योजनाओं की जानकारी करने के उद्देश्य से, ऐसे में उस क्षेत्र में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हर समय कि वो वहाँ पर पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे और सफाई का अच्छा मुजाहिरा हो। तो सेकंड नंबर वाली टीम भी लगातार इधर मैंने देखा हुआ, उसके लिए भी वो टीम बधाई की पात्र है और उस टीम ने सेकंड नंबर जो है, सेकंड रैंक जो प्राप्त किया है। और थर्ड नंबर है हमारा जो पूर्वी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कराई, उनका पंडाल लगा हुआ था। मेरे ख्याल से पूरे शहरी क्षेत्र के जो टॉप के 3 अगर पंडाल भी देखे जाएं उनमें से कोई ना कोई एक नंबर। आइए भाई जोनल अधिकारी गमले साइज लेकिन एक ही जैसी 3 नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली सर। हमारा कैमरा खराब है, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं। महापौर जी तो वह बाटा ना जाता ना सही कह रहा है सबकी गृहणियों को जागरूक करना है, पूरा जो है वो किचन से ही निकलना है। तो इनको बता रहे थे जैसे डेढ़ सौ रुपया कोई फायदा नहीं, किसी गृहणी 8-10 लड़कियों को एकत्रित करके एक मार्ग में देखिए, फिर वो घर में जाए और समझाएं कि एक काम करिए जिससे हम लोग पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार जो है त्यौहार एक कर करके बारी बारी से पढ़ रहे हैं और उन्हीं त्यौहारों के मद्देनज़र
पूरे क्षेत्र में स्वच्छता की अलग जगाने के उद्देश्य से शासन ने पूरे प्रदेश में समस्त नगर निगमों नगर निकायों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से स्वच्छ त्यौहार 2022 का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी लोगों को सभी जितने भी हमारे वार्ड हैं किसी भी नगर निगम के नगर निकाय के उन सभी वार्डों के लोगों को जो वहाँ काम करने वाले अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जो उनके साथ पानी पार्षद जी हैं सबको मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करना है कि जिसमें स्वच्छता की जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हासिल किया जा सके। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है हमारे पिछले कुछ समय से लगातार प्रत्येक त्यौहारों में चाहे वो विजयदशमी का त्यौहार हो दिवाली का त्यौहार हो या छठ पूजा का त्यौहार था उसमें हमारे कई जो हमारे वार्डों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसके साथ साथ वैसे तो सभी 80 वार्डों ने बहुत ही अच्छी इसमें स्वच्छता की अलग जगाई, लेकिन खास तौर से जो प्रथम स्थान पर वार्ड नंबर 69 जो सिविल लाइंस का वार्ड है और सेकंड नंबर पर वार्ड नंबर 68 जो कि पुराना गोरखपुर है और थर्ड स्थान पर वार्ड नंबर 42 उर्दिलपुर है, इन तीनों वार्डों के माननीय पार्षदगण हमारे समस्त जोनल अधिकारी जोनल इंस्पेक्टर और समस्त जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इन त्यौहारों में एक स्वच्छता का ऐसा मुजाहरा पेश किया है जिसकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन से जो हमारे अन्य जो वार्ड के हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं इससे मोटिवेट होंगे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो एक नई ताकत से और भी अच्छा बेहतर तरीके से सफाई के काम को कर सकेंगे। जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में एक नगर निगम व 11 नगर निकाय हैं। बड़हलगंज नगर निकाय को छोड़कर सभी के मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। 1 नवम्बर से 11 नवम्बर के बीच दावा व आपत्तियां प्राप्त किया जा रहा है। नगर निकाय की मतदाता सूची का 5 वर्ष में पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि 18 वर्ष के होते हैं या बहुत से ऐसे लोग जनपद में आकर बसते हैं, इसलिए ऐसे लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर वहां पर मतदाता पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, कहां है आप लोग, कहां है ये भाग संख्या? अच्छा ये बताइए, तहसील में राजू सिंह से परिचित हैं, तहसीलदार साहब से परिचित हैं जी? ये चीजें नोट करा दीजिए साहब। ये चीज सर आप देखिए, इसको दोबारा प्रिंट करके दे देंगे, ये अगर आप नोट करा देंगे तो दोबारा प्रिंट करके दे देंगे। ये कागज की बात कर रहे हैं ना, ये आपने दिया हुआ दिया हुआ ना जी, दोबारा पेपर सही हो जाएगा। जो बिलो दिए अच्छा क्या प्रकार से दूसरा फिटिंग नहीं हो पाया, 25,000 के आसपास नहीं जुड़ा है कुछ है ऐसा, वो तो जुड़ रहा है। आप अगर मैं तो पीड़ा बताऊंगा आज, ये नहीं वो आपके संज्ञान में बात ना करें। आज 3 तारीख है ना सर, हमें लगता है कल तक हमारा बैकलॉग समाप्त हो जाए। जो स्टेट ये दिया नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ हूं। हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर निकाय हैं, सभी की मतदाता सूची का केवल बड़हलगंज को छोड़ करके बाकी सभी की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया गया है। 1 नवम्बर से 11 नवम्बर के बीच दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मेरा अनुरोध है जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हों, चूँकि ये नगर निकाय के मतदाता सूची का 5 वर्ष में एक बार पुनरीक्षण किया जाता है, इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो इस दौरान 18 वर्ष के हो रहे होते हैं या नई बसावट होती है, नई मल्टी स्टोरी में लोग आकर के रह रहे होते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर वो लोग बूथ पर ना भी जाना चाहें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पर चले जाएँ और वहाँ पर वो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को बंधन बैंक में कर्मचारी को असलाहा दिखाकर लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्त जलालुद्दीन खान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, एक चाकू, बैग किया बरामद, भेजा जेल, एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडिस
डीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ मीडिया से हुई रूबरू, कहा यूपी के अन्य शहरों की तुलना में गोरखपुर की पब्लिक काफी हद तक ट्रैफिक नियमों का कर रही है पालन। जिले में ई रिक्शा की संख्या है काफी अधिक, शहर में चलने वाले ई रिक्शा के रूट को निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को किया गया निर्देशित। जिला अस्पताल पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के निर्देश पर मारा छापा। अस्पताल की साफ सफाई, डेंगू वार्ड, भर्ती मरीजों से की बात, कहा जिला अस्पताल में किसी तरह की नहीं है दिक्कत, मरीजों का हो रहा है इलाज, सभी मरीज डॉक्टरों के इलाज से हैं संतुष्ट। दो पक्षों में हो रही कहासुनी को रोकना पुलिसकर्मियों पर पड़ा भारी, एक राय होकर दोनों पक्षों ने मिलकर पुलिसकर्मियों से की मारपीट। 7 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी सिटी ने दी जानकारी। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने गुरुवार को यातायात कार्यालय का किया निरीक्षण, विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। मारपीट की घटनाओं में शामिल रहने वाले 7 अभियुक्तों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया, पंजीकृत की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई। जिला अस्पताल में अब सोमवार गुरुवार को बनाया जाएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दिव्यांग जन वार्ड का फीता काट कर किया शुभारंभ। धोखाधड़ी से पैसे व मोटरसाइकिल हड़पने वाले शातिर अभियुक्त गौरव कुमार रजक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, धोखाधड़ी से हड़पी हुई मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम द्वारा स्वच्छ महोत्सव 2022 वार्डवार प्रतिस्पर्धा में स्वच्छता के मानकों के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियन वार्ड का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिविल लाइन वार्ड 69 रहा प्रथम, वार्ड 68 पुराना गोरखपुर रहा द्वितीय, तो वार्ड 42 पुरदिलपुर को मिला तीसरा स्थान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के द्वारा किए गए पुरस्कृत। और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का किया जा रहा है कार्य। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कोई भी 18 साल का व्यक्ति यूपी इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर मतदाता पहचान पत्र के लिए घर बैठे कर सकता है आवेदन। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।